यह सरकार माहौल चैप्टर नंबर 19 डिमांड एंड रिकवरी दिल थाम के सुने बड़ा अच्छा सेक्शन है बड़ा अच्छा टॉपिक है सेक्शन नंबर सेवेंटी और 74 बहुत क्लास टॉपिक है सेक्शन सेक्शन इस चैप्टर के सर 73 है क्या इन केस थ्री और सेवेंटी दोनों साथ में बोलता हूँ बेटा मैं केस अगर आपने शॉर्ट पेमेंट किया है नॉन पेमेंट किया है शॉर्ट लेवी किया है नॉन लेवी किया है या एरोनियस रिफंड अगर आपको मिल गया है अगर दैट रिफंड या जो भी आपने शॉर्ट पेमेंट वगैरह किया है दीज आर ड्यू टू द रीजन ऑफ फ्रॉड विलफुल मिस स्टेटमेंट सब प्रश ऑफ फैक्ट या कॉलेज विद डिपार्टमेंट तो ऐसे कि इसमें सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर अट्रेक्ट होता है नहीं तो सेक्शन नंबर मतलब शॉर्ट पेमेंट वगैरह तो है शॉर्ट पेमेंट वगैरह तो है पर फ्रॉड वगैरह की रीजन नहीं तो सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री अप्लाई होगा सेवेंटी थ्री बोलता है क्या सर शोकोज इश्यू करने का टाइम कितना है डिमांड ऑर्डर इशू करने का टाइम कितना है बेटा सुनो ध्यान से बच्चों सर सेवेंटी थ्री मिस्टेक केस में बोलते के हैं सेवेंटी फोर फ्रॉड वगैरह के केस में ओके okay, सर सेवेंटी के थ्री केस में सर टाइम लिमिट टू इशू द शोकोज नोटिस इज टू ईयर नाइन मंथ एंड ऑर्डर इश्यू करने का टाइम कितना बेटा तीन साल ओके सर और फ्रॉड केस में ऑर्डर इश्यू करने का टाइम कितना पांच साल और शो को सर्व करने का टाइम है चार साल छह महीने पर ये कब से ये चार साल छह महीने या पांच साल या तीन साल या दो साल नौ महीने कब से सर जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड डिमांड है आपका सर जो अमाउंट ड्यू है उस फाइनेंशियल के खत्म होने के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट वहां से ये टाइम लिमिट काउंट होगी या फिर अगर आपको कभी एर रिफंड मिल गया है तो जिस दिन आपको रिफंड मिला था वहां से ये टाइम लिमिट काउंट होगी टू इशू द शो नोटिस और डिमांड ऑर्डर ये टाइम लिमिट के अंदर शो तो सर्व नहीं हुआ तो सर उसके बाद शो सर्व ना हो पाएगा वो टाइम बार हो जाएगा और ये टाइम लिमिट के अंदर अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो उसके बाद ऑर्डर पास जो किया है वो वैलिड नहीं होगा बेटा ओके इसलिए टाइम लिमिट का ध्यान डिपार्टमेंट को रखना पड़ेगा ओके सर अब ध्यान रखना तो बच्चों सर अगर डिपार्टमेंट ने कभी आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए शो शोको दे दिया है है पॉइंट कॉमन दोनों के के लिए 73, 74 के लिए अगर कभी शो दे दिया है किसी पर्टिकुलर मैटर पर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और सब्सिक्वेंट पीरियड में सेम मैटर पे सेम एस का सेम इशू था तो डिपार्टमेंट आपको एक स्टेटमेंट भी दे देगा दे दे एक लेटर भी इशू कर देगा दे तो मान लेंगे वही शो नोटिस है नया शो शोकोस देने की जरूरत नहीं है अगर वो पुराना शो शोकोस पेंडिंग चल रहा था तो सेम मैटर है तो बेटा सेम ओके अब सर ध्यान रखना अगर मिस्टेक है से, सेक्शन नंबर और अगर On his own या फिर डिपार्टमेंट के किसी ने उसको बताया जैसे बता टैक्स बाकी है इंटरेस्ट बाकी है इस तरह का आपका ड्यूज बाकी है तो वो चाहे तो बिफोर इश्यू ऑफ शो नोटिस जो ड्यूज थे वो फुलफिल कर सकता है पे कर सकता है अलॉन्ग विंटरेस्ट और ऐसे केस में उतना अमाउंट के लिए कोई शो को सर्व नहीं होगा उस एस एससी को पर, पर अगर डिपार्टमेंट को बाद में पता पड़ता है कि नहीं अभी भी स्टिल सम अमाउंट इज पेंडिंग तो जो अमाउंट पेंडिंग है उसके लिए वो उस शोकोस दे सकता है और उसके लिए मैटर डिस्प्यूट में चला चलेगा बैट आपका ओके okay, अगर कभी भी शोकोस दिया आप उसका रिप्लाई देंगे उसको कंसिडर करेगा आपको अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटिंग हर दिया जाएगा सेवेंटी थ्री हो सेवेंटी फोर हो सर आपने पर्सनल हियरिंग के लिए अगर अप्लाई किया तो आपको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा पर अगर आपसे

टेन परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट टेन परसेंट ऑफ टैक्स टी पेनल्टी है ए जी एस टी आपको नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में नहीं आता है और अगर फ्रॉड की बात करते बाद में चलो मिस्टेक के केस में किसी केस में सर मिस्टेक के टेन परसेंट टैक्स अमाउंट 10% ऑफ टैक्स इवोल्ड और रुपीज टेन थाउजेंड रिचवरीज हायर इज द पेनल्टी अमाउंट ओके अब अगर ने शोकोस इश्यू होने से पहले ही पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो पेनल्टी विल बी नील सेकंड शोकोज सर होने के तीस दिन के अंदर उसने पूरा टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट तो नो पेनल्टी विल बी चार्ज और नोटिस विड्रो हो जाएगा प्रोसीडिंग्स अपडेट हो जाएगी बेटा पर अगर अगर वो नहीं मना उसने शोको से रिप्लाई दिया और अगर केस जीत गया उसके फेवर में, में होगी बेटा क्लियर डन उसके बाद वो कि दिन पे तो कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा या फिर वो चाहे तो अपील में चला जाएगा बच्चों ओके okay, सर आ रहा है फ्रॉड का के केस पेनल्टी कितना है सर हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इनवोल्व आई रिपीट हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स इनवोल्ड अमाउंट इज द पेनल्टी का जितना टैक्स है उतना क्या हो गया पेनल्टी हो गया पर अगर शो को सर्व होने से पहले ही फ्रॉड के केस में सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर शोको सर्व होने से पहले ही अगर उसने पूरा टैक्स पे कर दिया लॉन्ग इंटरेस्ट तो ऐसे केस में केवल पंद्रह परसेंट ऑफ टैक्स इनवोल्ड इज द पेनल्टी अमाउंट फिफ्टीन परसेंट पर ध्यान रखना वो 15 भी शो को सर्व होने से पहले पे हो जाना चाहिए बेटा सेकेंड अगर शो को सर्व हो गया उसके तीस दिन में अगर उसने पे कर दिया पूरा टैक्स विथ इंटरेस्ट तो ऐसे कैसे पेनल्टी का ट्वेंटी फाइव परसेंट परसेंट ऑफ द टैक्स इनवोल्ड पर पच्चीस परसेंट भी विद इन थर्टी डेज ऑफ दर् ऑफ दी सर्विस ऑफ शो को नोटिस पे हो जाना चाहिए पर अगर आपने शो को सर्व हुआ आपको लगता नहीं आप केस जीत जाओगे आपने रिप्लाई दिया आपने तीस दिन के अंदर पे नहीं किया अब ऐसे केस में आप अगर केस जीत गए तो शो को विड्रॉ हो जाएगा नो इंटरेस्ट नो पेनल्टी नो टैक्स ओके पर अगर आप केस हार गए तो ऐसे केस में आप आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना पड़ेगा पर अभी भी आपको तीस दिन का वक्त दिया फ्रॉड के केस के में कि सर आप चाहे तो डिमांड ऑर्डर सर उन्होंने तीस दिन के अंदर जो डिमांड ऑर्डर में टैक्स है विद इंटरेस्ट विद फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी पे कर दो आपका मैटर क्लोज हो जाएगा हम आपसे हंड्रेड परसेंट पेनल्टी नहीं मानेंगे पर अगर अगर डिमांड ऑर्डर के तीस दिन में भी अगर आपने पूरा पेनल्टी पे नहीं किया पूरा सॉरी फिफ्टी परसेंट पेनल्टी पे नहीं किया टैक्स इंटरेस्ट पे करके के केस को क्लोज नहीं किया तो ऐसे केस में फिर हंड्रेड परसेंट ऑफ दी पेनल्टी हम आपसे चार्ज करेंगे बेटा क्लियर फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप चाहे तो अपील में जाइए हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा क्लियर डन ये हो गया पेनल्टी कितना पे करना ओके अब ध्यान कुछ कॉमन पॉइंट बेटा अगर मान लो कभी भी किसी केस में आपका केस ओपन हुआ था फ्रॉड केस में सेक्शन सेवेंटी फोर में बात में प्रूव कैन बी सर्व ओनली फॉर इन टाइम लिमिट कितना था दो साल नौ महीने तो सर फ्रॉड केस में अगर टाइम लिमिट जो थी चार साल छ महीने की तो सर जितना पीरियड दो साल नौ महीने में रहा होगा उतने को करेंगे, उसके पुराने वाले पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेकंड थिंग टैक्स का अमाउंट जो दो साल नौ पे और पेनल्टी भी मैक्सिमम मान लो कभी आपने सेक्शन सेवेंटी थ्री का अपील में गए या एजुकेशन के टाइम पे टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई हो गया जैसे दस करोड़ का केस था मान लो फाइनलाइज हुआ नहीं तीन करोड़ की डिमांड बनती सब तो इस केस में टैक्स का अमाउंट अगर मॉडिफाई हो गया तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट भी क्या हो जाएगा मॉडिफाई हो जाएगा बच्चों क्लियर समझे मेरी बात बच्चों माहौल ये था सर सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर और कॉमन पॉइंट सेवेंटी फाइव के बेटा मैंने कुछ ली जो रेलिवेंट थे ओके अगर कभी भी कोर्ट ने किसी कारण से कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई स्टे दे दिया बेटा किसी प्रोसीडिंग पे तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को जो टाइम दे रखा है तीन साल और पांच साल का ऑर्डर सर्व करने का या शो को सर्व करने का दो साल नौ महीने और चार साल छह महीने का तो वो टाइम ऑफ स्टेक को एक्सक्लूड किया जाएगा वाइल कंपिंग द टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन थ्री और सेवेंटी फोर क्लियर डन ओके सरकार आई है सेक्शन वन सिक्सटी वन रेक्टिफिकेशन ऑफ एर ऑन अपन रिकॉर्ड अगर किसी भी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया या नोटिस इशू किया या कोई भी समन इश्यू किया जिसमें मिस्टेक होगी बीच इज अप्रॉम द रिकॉर्ड मतलब मिस्टेक शुड बी क्लैरिकल या बाय डिफॉल्ट सर वो सेल्फ एविडेंट होना चाहिए मिस्टेक है साहब साफ दिख रहा है ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए एविडेंस वापस निकाल के एवेल्यूट कर रहा है दिमाग लग रहा है वो नहीं होना चाहिए इट शुड बी फैक्चुअल और लीगल और क्लियरिकल बेटा क्लियर प्लस इट शुड बी सेल्फ एविडेंट एंड शुड नॉट बी डिस्करेबल बाय लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग की हुआ था ऐसा नहीं बेटा साफ दिख रहा है मिस्टेक थी तो ऐसे केस में सर जो अफेक्टेड पर्सन है वो विद इन थ्री मंथ उस अथॉरिटी के पास आ सकता है कि साहब आपसे ये मिस्टेक हो गई थी इसको प्लीज रेक्टिफाई कर दीजिए और वो अथॉरिटी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है या तो ऑन इज ऑन मोशन या किसी ऑफिसर ने क्या बताया उसको या विद इन थ्री मंथ बताया क्लियर वो ऑफिसर वो जिसने ऑर्डर इशू किया वो उसको क्या कर सकता है रेक्टिफाई कर सकता है बट रेक्टिफिकेशन कैनोट बी मेट विदिन मेड आफ्टर सिक्स मंथ मतलब

कभी टैक्स नहीं लगता है फिर भी कस्टमर से ले लिया या टैक्स कम लगता है पर आपने ज़्यादा ले लिया कस्टमर से तो ऐसे कि इसमें जो आपने एक्सेस अमाउंट लिया है ये माना जाएगा इट इज अ नॉर्मल टैक्स और आपको ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट एज इट इज नॉर्मल टैक्स यू कांड से कि मेरी स्टाइल है कमाने की ये तो एक्स्ट्रा टैक्स मैंने कलेक्ट किया मेरी स्किल से ए, आपकी स्किल कुछ भी हो डिपार्टमेंट को टैक्स का अमाउंट के अगर आपने टैक्स के नाम से टैक्स के नाम से अगर कुछ पैसा लिया कस्टमर से तो डिपार्टमेंट को आपको दे आपको पे करना पड़ेगा ध्यान रखना एज इट इज द नॉर्मल टैक्स और अगर आप पे करने में लेट होते हो तो सर आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा लॉन्ग विद इंटरेस्ट एटीन परसेंट पर नाम सिंपल इंटरेस्ट से अब आप बोलोगे सर ऐसे तो फिर गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया तो सर गवर्नमेंट ने साफ यह बोला है क्या ये जो अमाउंट आपने हमको दिया है ये हम हमारे पास नहीं रखेंगे ये हम उस पर्सन को रिफंड दे देंगे जिससे आपने एक्स्ट्रा लिया है टैक्स जो नहीं लेना था बेटा क्लियर अगर वो आया रिफंड के लिए हम उसको रिफंड देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं या फिर दिस अमाउंट विल बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्लियर डन ओके सरकार देना सेक्शन नंबर सेवन क्या अगर आपने गलती से किसी ट्रांजेक्शन को इंटरसेट मानते हुए आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया और आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया जबकि क्या पे करना था सीजीएसटी और एसजीएसटी तो हम आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी रिकवरी करेंगे और आप आईजीएसटी का रिफंड लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है पर ऐसे केस में हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे और वाइस से वर्षा सेम सेक्शन सेक्शन सेम सेक्शन आई okay, आईजीएसटी एक्ट में बेटा ओके सेक्शन सेवेंटी एट इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स बच्चों सर अगर कभी भी डिमांड कंफर्म हो जाती है क्लियर तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को रिकवरी का राइट है पर जिस दिन डिमांड कंफर्म उसके तीन महीने तक वो रिकवरी शुरू नहीं करेंगे तीन महीने बाद वो रिकवरी इनिशिएट करेंगे पर अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि अससी भाग जाएगा देर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग वो इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ रिकवरी शुरू कर सकते हैं बच्चों ओके अब रिकवरी करेंगे तो कैसे करेंगे सेक्शन नंबर सेवेंटी ने बोला मोड ऑफ रिकवरी क्या क्या होगी सबसे पहला अगर कोई भी अमाउंट ऑफिस रिफंडेबल आता है बेटा अगर अससीजी का कोई अमाउंट रिफंडेबल था तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे रिकवरी के अमाउंट को सेकेंड सर अगर कोई भी गुड्स सर डिफॉल्टर के कोई भी गुड्स अवेलेबल है तो उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा रिटर्न करेगा और बेच देगा और बेच के पैसा रिकवरी करेगा बच्चों देन, सर, गार्निशी अगर कोई परसन, में से वन करोड़ और मैं आपसे मांगता हूं आपने मेरे ब्याह होल्ड करी हुई है या मनी हेल्ड करने वाले हो या मेरे ब्याह प्रॉपर्टी है तो ऐसे केस में यू आर दी गार्निशी और या फिर आप बैंक को मेरा एफडी आपके पास बेटा क्लियर तो ऐसे केस में किसी भी पर्सन से जो मैं पैसा मांगता हूं उसको बोलेंगे गार्निशी डिपार्टमेंट आपको नोटिस लिखेगा कि मंगल श्योर है और सर मंगल से अमाउंट ड्यू है मंगल पे नहीं कर रहा है तो आपका जब भी अमाउंट ड्यू होता है फॉर मेकिंग पेमेंट टू दी मंगल डोंट पे टू मंगल डायरेक्टली पे टू दी डिपार्टमेंट और ऐसे केस में आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा जैसे आप बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो आपके पास सेविंग बैंक है या एफ डी रखी है तो वहां पे बिना पासबुक के या बिना ही एफ डी रिसिट के आप डिपार्टमेंट को पैसा दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं बेटा अब ऐसे ऐसे केस में ध्यान पड़ता है यू आर बाउंड टू पे टू दी डिपार्टमेंट वेन एवर इट इज ड्यू फ्रॉम योर साइड For making payment to me. Clear, आपको डिपार्टमेंट को देना ही पड़ेगा ओके okay, पर अगर आपने डिपार्टमेंट को अमाउंट पे नहीं किया जब आपका पेमेंट ड्यू हो रहा था मेरे को डिपार्टमेंट पे, पे नहीं किया दिस तो अमाउंट विल बी रिकवर फ्रॉम यू एज इफ इट वॉज रिकवर फ्रॉम यू ओनली बेटा क्लियर समझे मेरी बात और हां मीन वेल अगर मैंने डिपार्टमेंट को पे कर दिया तो ऐसे में डिपार्टमेंट चाहे रिकवरी नोटिस आपको इश्यू किया उन्होंने वो विड्रो भी कर सकता है उसको अमेंड भी कर सकता है अच्छा बाद में पता पड़ा कि सेवेंटी फाइव लेकिन नहीं अस्सी लाख मांगता हूँ आपसे तो डिपार्टमेंट आप तो उसको मॉडिफाई करके इंक्रीज भी कर सकता है कम भी करता है पावर दे रखे डिपार्टमेंट को रिकवरी के लिए बेटा ओके okay, सरकार अब बता दी क्या प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो मेरी इमुल रूड़ी को भी अटैच कर सकता है और इमुल रूड़ी को अटैच करके सर मेरे को तीस दिन का वक्त देगा कि पेमेंट कर ले और उस तीस दिन में मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरे से वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवरी करेंगे और अगर एक्सेस अमाउंट कलेक्ट होता है उनको तो एक्सेस अमाउंट सरप्लस अमाउंट जो होगा वो मेरे को रिफंड कर देंगे वापस बेटा क्लियर पर हाँ ना मेरे को रिफंड तभी करेंगे जब उनका जो प्रॉपर्टी अटैच करने का बेचने का जो खर्चा था ये सब खर्चा लेस करने के बाद उनका जो रिकवरी रिक अमाउंट था वो सब लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मेरे को देंगे बेटा ये लोग ओके okay, सर उनके पास ये भी पावर है कि वो चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी भेज देंगे हु इज द पावर टू रिकवर द अमाउंट एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बेटा अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी वो लेटर लिख ले सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्लीज ये अमाउंट रिकवर करिए और मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो रिकवरी कर सकता है एज इफ इज द फाइन लेबल बाय हिम और ये लोग प्रॉपर्टीज बेच के पैसा रिकवरी कर सकते हैं मेरे से ओके देन रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा सर अगर मैंने कोई भी कोर्ट से एग्जीक्यूट किया हुआ है सर सिविल कोर्ट के थ्रू तो उसके थ्रू भी डिक्री को एग्जीक्यूट करके ये लोग रिकवरी कर सकते हैं देन सर रिकवरी थ्रू सिक्योरिटी सर गारंटर था सर कोई तो गारंटर अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो गारंटर को पकड़ेंगे और उससे पैसा लेंगे बेटा देन रिकवरी फ्रॉम दी कंपनी इन लिक्विडेशन तो सर लिक्विडेटर जो ओपन होगा उससे उससे रिकवरी करेंगे बेटा ये लोग देन आता है क्या सर अगर मैंने कभी बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया था तो बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट की जो कंडीशन थी वो अगर मैंने वॉलेट कर दी मैंने पे नहीं किया तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करके जो मेरी सिक्योरिटी थी उसको उससे रिकवरी करेंगे या अदर मोड से मेरे से रिकवरी करेंगे देन अच्छा सी जीएसटी एक्ट का ऑफिसर है रिकवरी करने अगर अगर आया तो वो एस जीस टी का भी रिकवरी करेगा बेटा ऐसा नहीं कि सी जी एस टी का ऑफिसर आया तो सी का ही रिकवरी करेगा एस का तो एस का मेरा जो ज्यूरिशनल ऑफिसर है वो अगर सी जीएसटी का है तो सी और एस दोनों का रिकवरी करेगा मेरा जोरिशिक्शन ऑफिसर एस जीएसटी का है तो एस और सी दोनों का रिकवरी करेगा बेटा अच्छा रिकवरी करते वक्त मान लो पूरा अमाउंट रिकवरी नहीं हुआ जैसे पचास लाख सी बाकी था पचास लाख एस जीसी कावरी जो हुआ वो केवल सेवेंटी लाख हुआ तो केस में जिस प्रोपोर्शन में सी जीएसटी और एसीएस का अमाउंट ड्यू था मेरा इंक्लूडिंग टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी उसी प्रोपोर्शन में जिस अमाउंट अमाउंट को अमांग को उन्होंने रिकवर किया उसी प्रोपोर्शन को डिवाइड करेंगे और रेस्पेक्टिव सी जीएसटी और एस जीसी डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाएगा बेटा क्लियर डन और सर ध्यान रहा बच्चो डिस्टिंग पर्सन से भी रिकवरी हो सकती है बेटा द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड डिस्टिंग सेम पेन नंबर सर ध्यान सर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होंगे फिर भी अगर मान लो मेरे एक रजिस्ट नंबर पे रिकवरी बनती है दूसरे रिजिस्ट नंबर पे रिफंड बनता है फॉर एग्जांपल तो उससे भी रिकवरी हो सकती है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा आइए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट अगर रीजनेबल केस था तो मैं चाहूं तो कमिश्नर को अप्लाई कर सकता हूं और कमिश्नर रीजनेबिलिटी को देखते हुए बोल सकता है है ठीक ई एमआई में पेमेंट कर दे इंस्टॉलमेंट बेस पेमेंट कर पेमेंट कर दे पर ही विल अलाउ मी द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बट नॉट मोर देन ट्वेंटी फोर मंथली इंस्टॉलमेंट और ध्यान रखना अगर मैंने सेल्फ असेस लाइबिलिटी जो मैंने रिटर्न में शो करी थी वो तो मेरे को पूरा पे करना पड़ेगा उसके कोई ई एम का ऑप्शन नहीं मिलता बेटा क्लियर मैं ट्वेंटी फोर मंथली इंस्टॉलमेंट ध्यान रखना वो चाहे तो कम भी दे सकता है और अगर मैंने कोई ई एमआई पे करने में डिफॉल्ट किया तो मेरा ये जो फैसिलिटी मेरे को दी है वो क्या हो जाएगा विद्रॉर इमीडियेटली पूरा अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा नहीं तो वो रिकवरी करेंगे मेरे से बेटा क्लियर और हां कमिश्नर के पास पावर की वो आपको चाहे तो ई एमआई का ऑप्शन दे चाहे तो नहीं दे चाहे तो ट्वेंटी फोर मंथ का दे चाहे तो कम दे और इसके केस आप अपील भी नहीं कर सकते हो उसने जो भी आपको ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट ओके सेक्शन एटी वन बोलता है क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू टू बी एवॉइड इन सडन केसेज अगर मेरा कोई ड्यूज वगैरह बाकी था मेरे से कोई अमाउंट रिकवरेबल है और मैंने अपने से मेरे को पता है कि डिपार्टमेंट से रिकवरी करेगा मेरी प्रॉपर्टी बेच देगा मैंने क्या किया जानबूझ के ऐसे केस में से पता है कि ड्यूज मेरे बाकी है मैंने वो प्रॉपर्टी किसको बेच दिया और ऐसे केस में पता था कि ड्यूज बाकी है तो ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर किया इट विल तो बी वॉइड एब इनिशियो माने जाएगा कि प्रॉपर्टी बेचा ही नहीं या तो बेचना मॉर्गेज करना एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव प्रॉपर्टी वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा पर हां मेरा क्यों ड्यूज बाकी नहीं था डिपार्टमेंट से सर सर विदाउट दी नोटिस ऑफ पेंडेंसी दी प्रोसीडिंग्स या विदाउट एनी सम समेबल टू द डिपार्टमेंट या फिर मैंने प्रॉपर से परमिशन लेके फिर प्रॉपर्टी बेचा है तो ऐसे केस में वो वॉइड रहेगा वो वॉइड नहीं रहेगा इंटेंशन जब करते हो जब आपको पता है ड्यूज बाकी है वो पे नहीं कर पाओगे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट बेच के पैसा रिकवरी करेगा और उसको अवॉइड करने के लिए आपने इस तरह का प्रॉपर्टी बेचा है पे दिया तो इट विल बी वर्ड एबिनिशियो ओके सेक्शन में एटी टू बोलता है टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इंसॉल्वेंसी इन बैंक कोड ये बोल दिया कि मेरी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज किसका होगा डिपार्टमेंट का होगा भले ही आपने फर्स्ट चार्ज क्रिएट करा रखा हो कोई दिक्कत नहीं है इन कोड ही एक एक्सेप्शन एक है बाकी हर केस में डिपार्टमेंट विल बी द सर ये माना जाएगा कि फर्स्ट चार्ज होल्डर है और मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा जो जाएगा सबसे पहले डिपार्टमेंट को जाएगा भारी पॉइंट बेटा ध्यान रखना देन आता है क्या सेक्शन थ्री प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोडक्ट द रेवेन्यू इन सडन केसेस अगर मान लो कोई प्रोसेसिंग शुरू करी बेटा अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ जैसे शो कोच दिया आपको या आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हो बेटा आपको नोटिस इशू किया है या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया रजिस्टर्ड हो बेटा क्लियर या समरी असेसमेंट चल रहा है या किसी भी केस में जब इंस्पेक्शन सर्च चल रहा है सेक्शन में सेवेंटी थ्री का नोटिस दिया है प्रोसीडिंग आर पेंडिंग पर कमिश्नर के पास ये आ, सबूत आ गए कि एस एस भाग जाएगा या देर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि देर इज अ लॉस ऑफ देर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू तो कमिश्न चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी को

be focused on your studies all the very best thank you so much mahol majedar thank you sir